शुरुआती में हमारे नगाड़े बसाती सर एक बैठ चलती थी, जिससे आज ये डबूज आए हैं। हमने कत्ते घबराया सर, एक मतलब हमारा कत्ते घबराया सर, बड़ा अच्छा ने स्टाफ ने पूरे मिल के हमने एच एल डी सी बस में इंस्टॉल कर दी सर। मदन लगाया हमने, बच्चों ने मैसेज किया और सफ़र किया उस बस में सर, तो काफ़ी अच्छा लगा है, मतलब क्योंकि वो बस साफ सुथरी सर और लोग उसमें डाल भी रहे थे, हमें अच्छा लगा कि मतलब हमारा जो। उसके बाद हमने प्लान किया कि थोड़ा इसे बड़े स्तर पे करें, सरकार से सहयोग मिला कमल सर का, स्पेशली थैंक्स सर आपको, अदरवाइज आज हम यहाँ पे हैं मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। हमारे बड़े अधिकारी भी यहाँ बैठे हुए हैं सर। फिर हमने पिछले पहले चरण में सर हमने 5 बसें दी हमने आज लोगों की आनंद साहब सुभाष चंद्र सर, दिल से मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने बड़ा पूछ किया कि बोला बहुत ही अच्छे मतलब ये स्टेप है और आप इसको आगे लेके जाए। चंबा दिल्ली बस में सर हमने इंस्टॉल करा, चंबा हरिद्वार थी सर, चंबा टांडा जाती थी, टांडा चंबा शिमला और एक और बस थी लोग इंस्टॉल करती थी, इनका पैदल तो आ रहे हम और ड्राइवर जो थे उस बस के कप्तान जो थे वहाँ पे थे और काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसकी फीडबैक भी मिली हमने, हम कॉन्टैक्ट में एक कुछ एक फ़ोन कॉल भी भेजे सर हमने कॉन्टैक्ट में पूछे दिए बच्चे और काफ़ी प्रशंसा भी की, तो भी हम अच्छा स्टेप पर बोले और हम भी इससे होकर इसमें जो भी हमारे में। तो सेकेंड स्टेप में हमने आर एम साहब से बात की कि आपकी जो पेड़ है हमको कितनी बसों का है, एक सौ कुछ बताया था, तो हमने इस बार मतलब 55 बसों में ही करना है, लेकिन फिलहाल हम मतलब 30 बसों में ही करेंगे ना आज, उसके बाद नेक्स्ट टाइम देखेंगे। चाहे ऑफिस हो, चाहे डी सी ऑफिस हो, चाहे फिर छोटे से छोटा कार्यालय क्यों ना हो, हमें पूरा सर उसमें डस्टबिन में लगाने ही लगा रहे हैं, चाहे वो रेस्ट हाउस हो, सर्किट हाउस हो, एस टी एम ऑफिस हो, चाहे कोई भी कार्यालय हो, हमें इंस्टॉल करने वाले ताकि पूरा चंबा जो मतलब स्वच्छ ना बन सके। कोई अच्छी पहल है, अच्छी चीज़ है, वो होने में दिक्कत नहीं होती है, और उसकी सीट वो ठीक है। और वैसे भी अक्सर जब सवारियाँ रुकती है ना जी, तभी कुछ खाने पीने का प्रोग्राम, जैसे मान लेते हैं कि महीने या दूसरे महीने खाते हैं ना, जैसे दो तीन बंदे जैसे आपके मिशन के आ जाएं, जैसे बस रुकी है, हालांकि ये थोड़ा अजीब लगेगा गुजरेगा ना, लेकिन वहां पे एक बड़ी चीज खाए प्लीज, ये हाफ एक मैसेज ना, जैसे महीने दूसरे महीने संडे कोई देख लिया मान लो आज चंबा आ गया, नेक्स्ट मंडे हो जी सफाई करते हैं उसको निकाल के, हाँ जी इसका ये हम कर सकते हैं, बाकी हम इंस्ट्रक्शन ड्राइवरों को दे देंगे अपनी ओर से, जिस जिस गाड़ी में जैसे इंस्टॉल होगा, चाहे लॉन्ग रूट की होगी चाहे जो भी होगी, उसमें हम खुद हम यहाँ ही होते हैं, हम उसको चेक करेंगे जिस गाड़ी में क्या ये जब रूट से वापस आई तो क्या इसमें अवेलेबल है, चेक कर होगी जाएगी क्या वो डस्टबिन का जो कूड़ा बकेट है वो क्या रखा है, उसको साफ किया गया या नहीं किया, क्या वो वहाँ पर अवेलेबल है कि वहाँ से किसी ने उठा के कहीं बाहर नहीं फेंक दिया कहीं रखना दिया, तो ये हमारी प्रेजेंस में जितना भी हमारे से हो सकेगा हम अपना हक जैसे कि आप देखो उत्तराखंड रोडवेज बाढ़ में किया है, इन्होंने तो अपने ऑफिस ऑर्डर ही निकाल दिया हुआ कि हर बस में अपनी ओर से रिक्वायर्ड है, तो चलो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे किसी प्रकार से बोला है कि हम लगा देते हैं, तो इतना हमारा दायित्व तो ये बनता है कि हम जो है चाहे जो आप बता रहे हैं कि उसको साफ़ सफाई के लिए जैसे गाड़ी अंदर आएगी हमारे डल पर लगेगी साफ़ सफाई के लिए, तो हम खुद अपने प्रेजेंस में इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये जो इंजन द्वारा लगाया गया है इसको कृपया अच्छी तरह साफ करने के बाद से, चालक प्रचालक की जिम्मेवारी ये भी रहेगी कि वो जो आपने जो लगाया है उसको वो कहीं घूम ना हो या उसको कहीं फेंक ना दे, ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है, ये सोच होती है छोटी, ये एक छोटे से बढ़ते हैं ना आगे, इसको इनको हम ये चालक प्रचालक को हम बोलेंगे अपनी प्रेजेंस में, हमारी वर्कशॉप के अंदर जो भी गाड़ी आएगी जिसमें ये डस्टबिन लगे हुए हैं अपनी प्रेजेंस में हम ये इश्योर करते हैं आपको स्वच्छता की। जब आपका जैसे अगर आपने कूड़ा करकट कोई छिलका कोई लिफाफा फेंकना है तो आप वो डस्टबिन लगा हुआ आगे उसमें फेंक दो, टिकट भी काट रही है मैसेज भी दे रही है और लोगों को पता चलेगा कि बाकी जगह ये लगा हुआ है हमारे बाकी डस्टबिन,
उसमें मैक्सिमम जो है वो कूड़ा करकट लोग बाहर से कई चीजें खाने हाँ। करते हैं तो उनको वो फेंकते हैं तो उसमें ड्राइवर उतरने से पहले इनको बोलने की ये बता रहे हैं कि कृपया जो भी बाहर से चीज लाई जाए अंदर जो खा रहे हैं आप बाहर मत फेंकना इस डस्टबिन में फेंकते ये अगर बीच में भी किसी चालक पर चालक को ऐसा लगता है कि कोई सवारी फेंक रही है डस्टबिन आने के बावजूद भी बीच में फेंक रही है तो उनको बोलेंगे कि कृपया आप उनको उसमें बोलेंगे कि आपके डस्टबिन लगा हुआ है और इसको कूड़े का करके वहाँ करेंगे इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा माइंड सेट अप होगा लोगों का कि हाँ ये डस्टबिन लगा हुआ है धीरे धीरे बदलाव आएगा जब तक आदत नहीं बढ़ेगी तो स्वच्छता को हम आदत नहीं बनाएंगे ना तब तक तो एक बार मैंने किया कि सर बस स्टैंड बनी के की बात है तो वहाँ पे चार लाइन तो भी जो भी पूरा छोटा लबाफा इसमें डालें फिर खा लेंगे सवारी के लिए खास करके क्योंकि सवारी से अपील है कि तो बाकी कंडक्टर और ड्राइवर तो बनाएंगे बनाएंगे आटे में भी होगा ही होगा सारा काम ही होगा लेकिन जो कूड़ा दान अपने यहाँ पर बहुत बड़ा मैसेज होता है हम दो लाइन लिखी है सर जब भी गाड़ी अंदर आएगी तो हम वैसे ही गाड़ी की सफाई करवाते हैं झाड़ू लगवाते हैं तो उनको इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आपने सबसे पहले खाली करके और वहीं पर दोबारा से जहाँ बदलाव भाई ये हमारी
हमारे चंबा जिला में स्वच्छता को लेकर इन्होंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगाली के टीचर श्री ओम प्रकाश जी और श्रीमान कमल जी द्वारा जो है स्वच्छता अभियान के तहत एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया है, जिसमें से शुरुआत की गई है हमारे HRTC की जो बसें हैं इसमें से डस्टबिन जो है इंस्टॉल करके उसमें से स्वच्छता को बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करना कि आप जो कूड़ा करकट है वो इस डस्टबिन में डालें। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, हम बहुत धन्यवादी हैं इनके, स्कूल के इनके जो अध्यापक हैं इनके, और हमारी ओर से पूरा सहयोग रहेगा HRTC की ओर से कि हम जो है यहाँ पर जो भी जिन गाड़ियों में चाहे वो लॉन्ग रूट की हों चाहे वो लोकल रूट पर चलती हों उनमें से जो भी इनकी संस्था के द्वारा जो ये डस्टबिन लगाए जा रहे हैं इसको जो है हम अपने चालक परिचालकों को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि अपने जो है जो भी पैसेंजर्स में चढ़ते हैं उनको एक विनती कर लेनी है कि कोई भी पैसेंजर जो है इसमें गाड़ी में कूड़ा करकट ना डालें, इसको डस्टबिन में ही डालें। हमारी ओर से हमारे निगम की तरफ से HRTC चंबा की ओर से हम इसके पूरे रख रखाव जो भी गाड़ी में हमने इंस्टॉल किया है उसको साफ़ करना, यहाँ से हम वर्कशॉप से जो भी गाड़ी जाएगी इसको हम साफ़ करके इसको कूड़ा जो बाहर फेंकवा के साफ़ करके ही हम आगे डेस्टिनेशन के लिए भेजेंगे। कोई भी लॉन्ग रूट की गाड़ी हमारी रास्ते में खड़ी होती है चाहे चाय पान के लिए रुकती है चाहे लंच के लिए डिनर के लिए, हम चालक परिचालकों को आदेश देंगे कि आप जो है गाड़ी को रोकने से पहले जो है सवारियों को ये विनती कर लें कि आप जो जितना भी कूड़ा करकट है वो इस डस्टबिन में जाए। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने जो ये चलाया हुआ है, तो धीरे धीरे हमारी धीरे धीरे गाड़ियों में हम जिस गाड़ी में हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसका पूरा हम अपनी ओर से ख्याल रखेंगे, इस गाड़ी के अंदर जो डस्टबिन है इसको रख रखाव के लिए हम पूरी तरह वचनबद्ध हैं। हम आपको अश्योर करते हैं कि हमारी ओर से इसकी पूरी सहायता की जाएगी ताकि हमारा चंबा ज़िला जो है वो एक आदर्श ज़िला बने स्वच्छता के नाम पर। ये बहुत अच्छा इनके द्वारा उठाया गया स्टेप है, तो हमारी ओर से आपको पूरा सहयोग रहेगा।
एक मिनट बाहर आ जाएंगे आप थोड़ा आपने यूज करना है इसका है ना एक ये भी है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगाड़ी के अध्यापक श्री ओम प्रकाश जी और लेक्चरर श्री कमलराज जी के द्वारा जो ये अनूठी पहल की गई है कि सभी परिवहन की जो बसें हैं HRTC की उसमें डस्टबिन जो है वो लगाए जा रहे हैं और सभी सवारियों को लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है कि कूड़ा करकट जो है उसमें फेंके और स्वच्छ भारत मिशन का जो लक्ष्य है उसको पूरा किया जा सके। इनका आज जो है यहाँ पे HRTC की बसों के लिए इन्होंने 30 डस्टबिन जो है वो डोनेट किए हैं और यहाँ बस अड्डे पे ऊपर जो दुकानें हैं उनको भी सबको जो है एक एक डस्टबिन जो है वो प्रदान किया है और सभी यात्रियों से जो है वो अपील की गई है कि वो कूड़ा करकट जो है इस डस्टबिन में डालें और इसका इस्तेमाल करें। तो बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत ही सराहनीय कदम है, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नगाली के दो अध्यापकों श्री कमलराज लेक्चरर इंग्लिश व श्री ओम प्रकाश जी TGT आर्ट्स के द्वारा जो ये बस स्टैंड व बसों में डस्टबिन स्थापित करने का जो कार्यक्रम है सचमुच में एक सराहनीय कदम है और भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन में अपना इनका ये महत्वपूर्ण योगदान है। मैं समझता हूँ ना केवल इस कार्यक्रम से बस स्टैंड व बसों में सफाई रहेगी उसके साथ साथ एक संदेश भी समाज को जाएगा कि स्वच्छता हमारे जीवन में नितांत आवश्यक है। हम विद्यालयों में भी ये संदेश मॉर्निंग असेंबली में देंगे बच्चों को कि बसों में इस अभियान में अपना सहयोग दें और बसों में जो कूड़ा है वो बस के फर्श में ना फेंक करके इन डस्टबिन में ही फेंकें। थैंक यू। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगाली में कार्यरत TGT मेडिकल ओम प्रकाश आज़ाद जी और उनके वरिष्ठ सहयोगी कमलराज जी जो कि इंग्लिश लेक्चरर हैं नगाली में, इन दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने चंबा को ये जो क्लीन बनाने का जो अभियान छेड़ा है और जिसके अंतर्गत आज यहाँ HRTC की लगभग 30 बसों के लिए उन्होंने डस्टबिन डोनेट किए हैं, साथ ही बस स्टैंड में कम से कम 8-10 दुकानों पर डस्टबिन डोनेट किए हैं और इस मिशन के अंतर्गत उनका आगे का जो अभियान है कि आने वाले समय में चंबा ज़िले के सभी कार्यालयों में सरकारी संस्थानों में इस तरह के डस्टबिन जो हैं इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि आने वाले कुछ एक वर्षों में हमारा चंबा जो है वो पूरी तरह से स्वच्छ हो जाए और हम गर्व से कह सकें कि हम इस चंबा ज़िला के निवासी हैं जो कि एक सुंदर और स्वच्छ ज़िला है। ये एक प्रयास ओम प्रकाश जी का और कमलराज जी का और नगाली स्कूल का जो है ये एक शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे अध्यापक हमारे विभाग में हैं जिन्होंने ऐसा अनूठी पहल करके हमें गौरवान्वित महसूस किया है और हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा कुछ करें और हम अपने विद्यालयों में जो अध्ययनरत बच्चे हैं उनको भी हम इस तरह से प्रेरणा दें ताकि आने वाले समय में ये जो मुहिम है वो जोर पकड़े और हमारा चंबा वास्तव में स्वच्छ और सुंदर बन सके। उन्हें मैं अपनी तरफ से ओम प्रकाश आज़ाद जी को और कमल राज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं स्वरूप चंद प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगाली। हमारे स्कूल के दो अध्यापक श्री कमलराज जी लेक्चरर इंग्लिश श्री ओम प्रकाश जी TGT मेडिकल, इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत HRTC की बसेज में डस्टबिन लगाने का कार्य जो है सराहनीय कार्य जो है वो शुरू किया हुआ है। इससे पहले भी 5 लॉन्ग रूट की बसों में डस्टबिन लगाए जा चुके हैं और 30 डस्टबिन आज इंस्टॉल किए हैं। इसके अलावा जो बस स्टैंड के ऊपर दुकानें हैं वहाँ भी डस्टबिन बाहर रखे गए हैं ताकि लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया जाए, जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको कामयाब बनाया जा सके।
ये स्वच्छ भारत के लिए बहुत अच्छी पहल है। मैं परिचालक प्रदीप कुमार इसकी बहुत सराहना करता हूँ जो आपने ये कदम उठाया है। और ये जो बसें चलती हैं रूटीन में 5 दिन के बाद वापस आती हैं, तो इसमें जो सवारियाँ गंद डालती हैं, तो ये बहुत अच्छी स्कीम चलाई है आपने। तो झाड़ू लगाना पड़ता है गाड़ी में शाम को, तो ये है कि सफाई रहेगी। कई लोग नीचे छिलके फेंकते हैं केले के, तो सवारियाँ गिर जाती हैं उसके ऊपर। चलो, ये आपने सबसे बढ़िया काम किया है, इसके लिए हम आपकी सराहना करते हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि सवारियों को मोटिवेट करें और समझाएं कि गंद ना डालें, तो ये बहुत अच्छा काम है। और इसके लिए हम सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये रूटीन में जो बसें चलते हैं 4-5 दिन के लिए, 4-5 दिन बाद जो वापस आती हैं गाड़ियाँ, उनमें बहुत ज़रूरी है ये। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि उन गाड़ियों में ज़्यादा से ज़्यादा ये लगाए जाएँ और सभी को इसके बारे में बताया जाए। क्या आप लोगों को जागरूक करेंगे इसके बारे में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। जो गंद डालेगा उसको बताएंगे, बोलेंगे भाई आगे डालो, वो खुद नहीं डालेंगे तो हम खुद उठा के इसको डालेंगे सवारी के सामने, ताकि वो भी देख लें तो गंद गाड़ी में ना डालें। बहुत बढ़िया। उनके सामने उठाएंगे तो कम से कम वो भी खुद करेंगे अपना काम, इसमें डालेंगे। जय हिंद साथियों, मैं ओम प्रकाश आज़ाद, TGT मेडिकल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नगाड़ी, एजुकेशन ब्लॉक बनीखेत, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हूँ। हमारा और साथ में मेरे सहयोगी हैं श्री कमल राज जी, लेक्चरर इंग्लिश हैं ये। ये भी मेरे साथ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नगाड़ी में कार्यरत हैं। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा जो मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, उसके अंतर्गत ये हमारा दूसरा चरण है। पहले चरण में ये इस मिशन की शुरुआत हमने की थी 2 अक्टूबर 2018 को। हमने सेल्फ मेड कूड़ादान बनाए थे जो कि आपके सामने है। ऐसे ही डस्टबिन हमने 10 डस्टबिन जो है पहले चरण में 2 अक्टूबर 2018 को श्री सुभाष होत्रा जो कि आरएम है जिला चंबा के, उनकी प्रेजेंस में हमने इंस्टॉल किए थे। तो उन बसेस में हमने इंस्टॉल किए और जनता से ये आग्रह भी किया कि जो भी आपने कूड़ा डालते हैं बस में, वो आपने कूड़ादान में डालना है, ना कि बस में। अक्सर हमने देखा है कि लोकल रूट्स की जो बसें चलती हैं, खासकर उसमें यात्रीगण जो भी खाते, चाहे वो मूंगफली के छिलके हों, चाहे कुरकुरे का पैकेट हो, चिप्स का पैकेट हो, अक्सर देखा गया कि वो जब कंडक्टर का ध्यान कहीं और जाता है तो नीचे फेंक देते हैं उसको। तो सभी से आग्रह रहेगा हमारा कि ये जो डस्टबिन है हमने 50 बसेज में इंस्टॉल कर रहे हैं आज के दिन में, तो सभी से आग्रह रहेगा कि जो भी आप खाते हैं, पीते हैं, जो भी रैपर्स होते हैं टॉफ़ी के, वो कृपया इन डस्टबिन में डालें, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है, सर का काफ़ी योगदान रहा है इस मिशन में। क्योंकि हमारा एक्चुअली मिशन है क्या कि हम जिला चंबा को एक आदर्श जिला बनाना चाहते हैं, और ये मेरे अकेले का काम नहीं है। मेरा सभी चंबा वासियों से, हिमाचल वासियों से, भारत वासियों से मेरा निवेदन है कि इन कूड़ादानों का इस्तेमाल करें, जहाँ पे भी कूड़ादान रखा होता है उसका इस्तेमाल करें, एक अच्छे नागरिक बने। और आज के दिन में हमने, मैं धन्यवादी हूँ हमारे जो डिप्टी DO हैं श्री हितेंद्र जी, साथ में हमारे जिला परियोजना अधिकारी श्री सुमन मिन्हास जी, माननीय प्रधानाचार्य महोदय राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नगाड़ी, उनके साथ में हैं प्रधानाचार्य राज्य की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घटासनी श्री जगजीत आज़ाद जी, और हमारे साथ जो आज विशेष तौर पे पहुँचे हैं श्री रोशन जी जो कि अध्यक्ष हैं मिशन एजुकेशन संगठन के, साथ में परिचालक महोदय, चालक महोदय, और सभी की प्रेजेंस में हमने आज ये शुभ काम किया है। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि ये डस्टबिन है, इसके बारे में बता दूँ आपको, ये स्वच्छ भारत मिशन का लोगो बना हुआ है, डोनेटेड बाय ओम प्रकाश, TGT मेडिकल, श्री कमल राज लेक्चरर इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगाड़ी, एजुकेशन ब्लॉक बनीखेत, डिस्ट्रिक्ट चंबा, हिमाचल प्रदेश। साथ में साइड में जो इसका है, आओ मिलकर चंबा को एक स्वच्छ जिला बनाएं, नीचे हमारा जो फ़ोन नंबर है अंकित किया गया है। इस तरफ देखेंगे तो आप तो इसमें लिखा गया है क्लीन चंबा ग्रीन चंबा। हमारा जो मिशन है, अक्सर देखा गया कि चंबा को एक पिछड़ा जिला घोषित किया गया है, सभी को पता है, पूरे चंबा वासियों को पता है, हिमाचल वासियों को पता है, ये हमारे दिल में बड़ी ठेस पहुंचाता है। जब ये हमने मिशन शुरू किया था तो इसके पीछे भी सर एक वजह रही थी कि जब चंबा को एक पिछड़ा जिला घोषित किया गया तो हमें बड़ा ही दुख पहुँचा, ठेस पहुँची थी। तो हमने कुछ अलग करने की सोची, जबकि 2 अक्टूबर 2018 की बात है, हमने गत्ते का कूड़ादान बनाया था जिसे कि जो चंबा से
बनीखी से नगाली बस आती है उसमें अक्सर हमने एक दो बार यात्रा की तो देखा कि भाई काफ़ी गंदगी पड़ी होती थी, लेकिन परिचालक महोदय काफ़ी सफाई भी रखते थे, लेकिन बीच बीच में कुछ सवारियां क्या करती थी, डाल देती थी गंदगी डाल देती। तो हमने 2 अक्टूबर 2018 को उस एक गत्ते का बनाया डस्टबिन और उसको भेंट किया हमने जो चालक महोदय श्री मदन जी और परिचालक थे उसके साथ, तो हमने उनको भेंट किया। तो कुछ दिनों के बाद हमने देखा उस बस में यात्रा की तो हमने देखा कि उस डस्टबिन का यूज़ हो रहा है, दिल में अच्छा भी लगा कि उसके बाद हमने प्लान किया। श्री कमल राज जी से मेरी बात हुई, साथ में और भी मार्गदर्शक हमारे रहे, तो हमने डिस्कस किया कि इसको कैसे दूसरे लेवल पे ले जाया जा सकता है। तो हमने अगली 10 बसें चुनी और उसमें इंस्टॉल करने की सोची। उसके बाद ये हमारा दूसरा चरण है कि हम इतनी ज़्यादा बसेज में जिला चंबा में इंस्टॉल करने जा रहे हैं। आज किए हमने यहाँ पे जो चंबा बस स्टैंड के जो शॉप्स हैं वहाँ पे दुकानदारों से भी भेंट की और उनको आग्रह किया कि आपको जो कूड़ादान हमने भेंट किया है वो आपने उसमें डालना है। तो सभी दुकानदारों ने हामी भरी कि कोई बात नहीं, हम जिला चंबा को स्वच्छ बनाने में हमारा जो भी योगदान होगा हम देंगे और पूरा विश्वास है। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारा जो मिशन है वो कामयाब होता हमें दिख रहा है। और इस आपके माध्यम से चंबा हलचल को भी मैं सलाम करता हूँ कि जो भी हमारे चंबा को आगे बढ़ाने में, सच्चाई को आगे लाने में आपका हमेशा योगदान रहता है। आपको सैल्यूट करता हूँ सर। और ज़्यादा ना कहता हुआ सभी से आग्रह ही रहेगा, मेरा निवेदन ही रहेगा कि जिला चंबा को हमने स्वच्छ बनाना है, एक आदर्श जिला बनाना है, ताकि वो हिमाचल में ही नहीं पूरा भारतवर्ष में जब नाम लिया जाए जिला चंबा का तो एक आदर्श जिले के नाम पर उसका नाम लिया जाए, ना कि एक पिछड़े हुए जिले के रूप में। विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा क्षेत्रीय प्रबंधन HRTC जिला चंबा का, श्री सुभाष रन होत्रा जी, अड्डा इंचार्ज, JTO, पूरे प्रबंधन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वादा किया है सर हमसे, हमें आश्वस्त किया है कि ये डस्टबिन हमने लगाए हैं, पहली बात तो इनका सही तरीके से जो कूड़ा इसमें डला होगा उसको साफ सफाई करेंगे। जब भी बस यहाँ पे पहुँचेगी तो इसका जो भी कूड़ा करकट होगा उचित जगह पे इसका निपटान किया जाएगा। उन्होंने हमें आश्वस्त किया, हमें बड़ा अच्छा लगा कि पूरे प्रबंधन का पूरा साथ है हमारे साथ, पूरा साथ दे रहे हैं, उन्होंने हमें पूरा आश्वस्त किया है। हमें बड़ा अच्छा लगा कि हमारे मिशन के साथ जो पूरा प्रबंधन है जिला चंबा HRTC का, उन्होंने हमें पूरा बूस्टअप किया है कि हम अपने मिशन को और आगे लेके जाएं और जो निपटारा है इस कूड़ेदान में जो कूड़ा है उसके निपटान का, साथ में उसके कूड़ेदान के रख रखाव की जिम्मेवारी जो है, क्योंकि जब बस को साफ किया जाता है तो इसको डिटैचेबल कूड़ादान जो है इसको निकाल के फिर इसको दोबारा लगाना होता है। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, दिलासा दिया है कि ये पूरे जो डस्टबिन हमने इनको प्रोवाइड करवाए हैं इशू तो ये इंस्टॉल किए हैं, जो आज हमने इनका पूरा रख रखाव की जिम्मेवारी जो है उन्होंने ली है। बहुत बहुत शुक्रिया HRTC प्रबंधन जिला चंबा का। और आप सभी यात्रियों से मेरा अंतिम बार निवेदन है कि हमने जो डस्टबिन इंस्टॉल किए हैं, जो कूड़ा करकट है, कृपया करके सभी से विनम्र निवेदन है कि इस डस्टबिन में डाल लें और जिला चंबा को स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग दें। अंत में मैं चार लाइनों के साथ समाप्त करूंगा इसको कि मंजिलें बहुत जिद्दी होती हैं, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ पे कश्तियाँ जिद पे होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिमाचल, क्लीन चंबा एंड ग्रीन चंबा।